Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Okay, so write down here today's date. So today's date is 30/6/2021. Okay, date written, everyone. Now we are going to start new chapter, that is chapter number 3. Water, oh water. So we are going to read this one. Okay, now here we are going to read the importance of water. Okay, so here. Put your finger here. Don't waste water. Water is precious. Water is life. Water is precious. हमें water को waste नहीं करना चाहिए क्योंकि water बहुत important है. उसके बहुत सारे uses हैं. Water life है. क्यों life है? Because without water we can't live. Water is precious. Water बहुत important है. Tip, tip, tip. Oh, the water falls, overflowing the rivers, lakes and ponds. Now, हमें वाटर कहाँ से मिलता है? फ्रॉम वाटरफॉल्स, फ्रॉम द रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स. जब ओवरफ्लोइंग होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ का जो ओवरफ्लोइंग वाला वाटर है वो वी पीपल आर यूजिंग इट. नाउ वेव्स ऑफ ओशन गैलप लाइक अ हॉर्स. डोंट वेस्ट वाटर. वाटर इज प्रीशियस. नाउ द वर्ड गैलप मीन्स जंपिंग. ओके, जंप करना. हॉर्स जैसा वाटर क्या करता है? हॉर्स जैसा जंप करता है ना. ओशन के अंदर वेव्स कैसे होते हैं? एकदम ऐसे स्विंग करते हैं ना, आप हमेशा ऐसे वेव्स बनाते हो. तो ये कहाँ पे होते हैं? ओशन के वेव्स होते हैं. ओशन के अंदर ऐसे ही वेव्स होते हैं ना. टेकिंग फॉर्म ऑफ आइसबर्ग्स ऑन हिल टॉप. ना अगर आप हिल टॉप में जाओगे ना, तो वहां पे वाटर किस फॉर्म में प्रेजेंट है? आइस के फॉर्म में प्रेजेंट है. बॉइल इट, हीट इट, टर्न इट इन टू वेपर. ना जब आप वाटर को बॉइल करते हो तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर. वेपर मीन्स धुआं के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, वो एकदम इवोपरेट होने लगता है. सो दैट इज कॉल्ड एज वेपर. ना कीपिंग सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग्स. हमेशा आप सॉन्ग गाते रहते हो स्प्रिंग सीजन्स के. ओके, कि कब रेनी सीजन आए. ना वाटर इज लाइफ. वाटर इज प्रीशियस. अगेन, वाटर हमारी लाइफ है एंड वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है. गिविंग लाइफ टू क्रॉप्स, प्लांट्स एंड ट्रीज. रनिंग इन टू ह्यूमन बॉडी. नरिशिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स. सो वॉट वाटर यूज टू डू? वाटर क्या करता है? वो क्रॉप्स को एक लाइफ देता है. ओके, अगर आप क्रॉप्स में पानी नहीं डालोगे ना, तो वो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे. सो क्रॉप्स, प्लांट्स, ट्रीज, ऑल दीज थिंग्स नीड वाटर टू ग्रो. ह्यूमन बॉडी. ओके, अगर आप ह्यूमन बॉडी अगर वाटर ड्रिंक नहीं करेंगे, तो फिर वो हाइड्रेटेड नहीं रहेंगे. ओके, दे आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव. ओके, सो फॉर ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी के लिए भी वाटर इम्पॉर्टेंट है. नरिश करने के लिए एनिमल्स को, एनिमल के लिए वॉशिंग, टू वॉश द एनिमल्स, टू फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, फॉर लिविंग पर्पज, बाथिंग पर्पज, ऑल फॉर दिस पर्पज एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो नीड्स वाटर. So water is life, water is precious. During drought, there is a stress. Now drought, what do you mean by drought? So drought means आप जहां पे भी पानी नहीं होता है ना, जहां पे very small amount of water is there, okay, बिल्कुल भी पानी नहीं होता है, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे stress आ जाता है people को कि अभी पानी नहीं है तो हम how we are going to live. So life seems to be very in pain. तो उस time पे life पेन में नजर आता है कि ओके, अभी हम इट्स नॉट पॉसिबल टू लिव बिकॉज विदाउट वाटर दे कांट कुक फूड. एनीथिंग इज नॉट पॉसिबल, एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर. ओके, सो नाउ ड्यूरिंग फ्लड. फ्लड मतलब जहां पे ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर होता है. ठीक है, जब बहुत ज्यादा रेनी सीजन आ जाए, बहुत ज्यादा रेन हो जाता है, तो एट दैट टाइम फ्लड आने के चांसेस होते हैं. सो देयर इज अ थ्रेट एंड फ्लाइट. उस टाइम पे हमें बहुत डर लग जाता है और बहुत घबराहट हो जाती है. सो एट दैट टाइम वी यूज टू हैव द थ्रेट. थ्रेट इन द सेंस डेंजर. ओके, फ्लाइट. फ्लाइट मतलब घबरा जाना. हाँ, वेल टैप अ हैंडपम्प फिल्ड विद वाटर. दो, लेकिन फ्लड के टाइम पे हम घबरा जाते हैं, लेकिन टैप और हैंडपम्प की वजह से वी आर फिल्ड विद वाटर. अगर हमारे पास ड्राफ्ट भी है, ओके, वहां पे पानी नहीं है, तो भी टैप, ओके, आपके घर का जो टैप होता है, हैंडपम्प होता है आपके सराउंडिंग में, उसके थ्रू आपको वाटर मिलता है. So water is life, water is precious. So just read this, and these are the few words. Draft. Okay. So only these two words you have to write it 5 times. Okay, sir, 5 times likhoge aap ye words aur learn karoge.
ना डू यू नो एनी पोएम ऑफ ओके दिस आई विल प्रोवाइड यू ठीक है ये आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी तो दिस यू आर गोइंग टू हैव इट डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स ऑफ वाटर सो अभी हमने उन्होंने इफेक्ट्स देखे बहुत सारे यहाँ पे रीड किए ओके सो आपको वाटर के इफेक्ट्स क्या होते हैं वेव के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं गैलप ऑफ हॉर्सेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ना टेक द एक्टिविटीज फॉर विच द वाटर इज नीडेड तो यहाँ पे जो भी है ना आप वाटर किस किस के पर्पज के लिए यूज करते हो टू मेक टी तो आगे वाले बॉक्स में आपको टिक करना है फॉर पेंटिंग द पिक्चर्स फॉर रोइंग अ बोट बोट में आप जाने के लिए भी टू नीड अ ड्राफ्ट टू ग्रो अ प्लांट्स ओके सो फॉर ऑल दिस पर्पज वी नीड वाटर डू यू थिंक वट डू यू थिंक वट यू कैन डू विदाउट वाटर आप वाटर विदाउट वाटर आप क्या कर सकते हो सो डांसिंग जॉगिंग वॉकिंग रनिंग दिस ऑल थिंग्स वी कैन डू विदाउट वाटर ना विद वाटर आप क्या कर सकते हो विदाउट वाटर पॉसिबल ही नहीं है सो बाथिंग ओके वॉशिंग क्लोथ्स वॉशिंग यूटेंसिल्स मतलब बर्तन धोना ओके ऑल दोज थिंग्स यूटेंसिल्स प्रिपेरिंग टी सो दीज आर द थिंग्स नाउ ओके नाउ यहाँ पे आपको जो बॉक्सेस दिए हैं सबसे ज्यादा आपको वाटर की इम्पोर्टेंस कहाँ पे पता चलती है ओके सो वी आर गोइंग टू नाउ यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा वाटर की जरूरत कहाँ पे होती है टू वाटर द फील्ड अगर आप गार्डनिंग करते हो ना एट दैट टाइम वी नीड वाटर फॉर दैट पर्पज सी अगर आप ये नहीं देख पा रहे हो ना तो यहाँ पे मैंने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे भी लिखा हुआ है तो आप उससे भी देख सकते हो ठीक है सो फर्स्ट वन क्या है टू वाटर द फील्ड सेकेंड इज टू क्लीन द हाउस वहां पे आपको नेक्स्ट वाटर की जरूरत पड़ती है उससे कम पड़ती है लेकिन पड़ती है उसके बाद बाथिंग पर्पज के लिए देन उससे भी कम ड्रिंकिंग पर्पज के लिए देन उससे भी कम वाटर आपको चाहिए फॉर कुकिंग पर्पज एंड देन टू नीड द डा नाउ यहाँ पे रोटी बनाने के टाइम पे आपको वो फ्लो बनाने के लिए टाइम पे आपको कितना वाटर चाहिए सो दैट वाटर ओके नाउ वाटर फ्रॉम वेयर नाउ इन दिस पोएम वी हैव रेड अबाउट द वाटर हम लोगों ने यहाँ पे वाटर के बारे में पढ़ा है ना नाउ वी हैव टू सर्कल अभी हमें सर्कल करना है दोज प्लेसेस व्हिच यू हैव दैट आर आइदर इन योर हाउसेस और अराउंड इट जो हमने आसपास हमारे घर के देखा है सो लेक हमारे स्कूल के पास में एक स्मॉल सा कैनल है ओके सो फॉर दैट लेक या स्ट्रीम में से एक चूज करना है सो आई चूज लेक ओके सो ट्यूबवेल ओके आप फील्ड में कोई जाते हो कोई फार्म में जाते हो तो वहां पे आप ट्यूबवेल देखते हो टैप आपके घर में प्रेजेंट है टैंक आप स्टोर करके रखते हो वाटर ओके सो दिस आई हैव बीन फोर थिंग्स आई हैव टेक्ड हियर अगर आपने इसके अलावा भी कुछ आपके घर के पास देखते हो सो यू आर गोइंग टू सर्कल दैट ओके नाउ थिंक एंड राइट हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ ग्राउंड वेयर ओके सो आपने अगर हॉट वाटर देखा है ग्राउंड से निकलते हुए सो यू हैव टू राइट येस एंड वेयर बट आई हैव नॉट सीन दैट सो वी आर नॉट गोइंग क्योंकि हमने अभी तक नहीं देखा है ग्राउंड से निकलते हुए वाटर बट दिस इज पॉसिबल ओके वाटर कहाँ से निकलता है ग्राउंड में से ही निकलता है सो आई हैव नॉट सीन दैट सो नो आई हैव रिटन ओके नाउ डज एनी रिवर फ्लो अक्रॉस योर विलेज और सिटी क्या आप हमारे व्यारा के आसपास कोई रिवर फ्लो करता है येस तापी फ्लोस थ्रू दिस सिटी डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर राइट देयर नेम्स येस आई डू नो द नेम्स तापी नर्मदा कावेरी गंगा एंड कृष्णा आई हैव रिटन ओके सो दीज आर द नेम्स यू हैव टू राइट डाउन सी आपने जो जो यहाँ पे लिखा है ना यही सारे चीजें आपको नोटबुक में भी कॉपी करने हैं ना थिंक एंड टेल ओके नाउ दीज आर द आंसर्स दीज क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है क्वेश्चन आंसर सो इसी वे में आप नोटबुक में भी लिखोगे ओके सो एट होम्स वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम आपके घर पे आपको कहाँ से पानी आता है टैप थ्रू पाइपलाइन टैप किससे कनेक्टेड है पाइपलाइन से कनेक्टेड है वेयर डू यू फेच वाटर अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो विलेज साइड में तो आप वाटर कहाँ से लेके आते हो फ्रॉम वेल सो वी गो टू वेल टू फेच द वाटर ठीक है हाउ मच टाइम इट टेक्स टू ब्रिंग दैट वाटर एट योर होम सो अराउंड 1 आवर अगर आपका विलेज वेल से काफी दूर है तो अराउंड 1 आवर आप चल चल के आओगे एंड देन यू आर गोइंग टू स्टोर इट वाई डू वी नीड टू स्टोर द वाटर हम स्टोर क्यों करते हैं वाटर को बिकॉज
वाटर माइट नॉट बी सप्लाइड थ्रू आउट द डे. ओके, शायद पूरा दिन वाटर नहीं आए इसलिए हम स्टोर करके रखते. हु फेच द एंड स्टोर द वाटर इन योर हाउस? सो योर पेरेंट्स. सो माई पेरेंट्स. डू यू नो, डू यू एंड योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस? इट इज पॉसिबल बट आई हैव रिटन नो, देर इज नो सच केसेस, बिकॉज हम सबके नेबर्स भी के घर भी वाटर कहाँ से आता है? टैप से आता है. नाउ यू हैव टू कलर दिस. ओके, सो दिस विल बी अ होमवर्क फॉर यू. आपको यहाँ पे कलर करना है बकेट, पॉट. ओके, ये सारी चीज आपको कलर करनी है. नाउ बेस्ड ऑन दिस पिक्चर यू हैव टू आंसर दीज मेनी क्वेश्चंस. सो विच कंटेन्स द लीस्ट वाटर? यहाँ पे सबसे कम वाटर कहाँ, किसके पास है? सो दिस वन. ओके, सो आई हैव रिटन स्मॉल जार. ये छोटा वाले जार के पास बहुत कम वाटर है. सबसे ज्यादा वाटर किसके पास है? बकेट. ओके, सो दिस इज हैविंग अ बकेट द मोस्ट अमाउंट ऑफ द वाटर. नाउ विच टू कंटेनर हैज द सेम अमाउंट ऑफ वाटर? सो दिस एंड दिस, ये दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ वाटर है. ओके, सो आई हैव रिटन पॉट एंड ऑयल कंटेनर. ओके, ऑयल कंटेनर के अंदर भी आप स्टोर कर सकते हो वाटर को. नेक्स्ट इज ओके रूहान एंड चक्कू. रूहान एंड चक्कू वो फीलिंग वेरी थर्स्टी. दोनों को बहुत प्यास लग रही थी. ओके, एंड दे वॉन्ट टू ड्रिंक सम सॉर्ट ऑफ मिल्क और समथिंग. ओके, कोई जूस पीना चाहते थे वो. सो द अंकल गेव बोथ ऑफ देम अ मैंगो पन्ना. ओके, मैंगो पन्ना मीन्स इज नथिंग बट अ जूस. ओके, इन अ स्टील टम्बलर. तो उनको दोनों को स्टील टम्बलर में उन्होंने पन्ना दिया. ओके, बट चक्कू वॉन्टेड टू ड्रिंक ओनली वन ग्लास. सो चक्कू को सिर्फ एक ही ग्लास पीना था. एंड हर अंकल प्योर द पन्ना इन टू अ. ओके, चक्कू को सिर्फ ग्लास टम्बलर में पीना था, स्टील टम्बलर में नहीं पीना था. तो उन्हें उसे ग्लास टम्बलर में दिया. तो अंकल ने क्या किया, वट एवर द थिंग वर देयर इन दिस ग्लास दे हैव प्योर्ड इन टू अ ग्लास टम्बलर. ओके, सो बट चक्कू वॉज नॉट हैप्पी. पर चक्कू हैप्पी नहीं थी. शी कंप्लेन दैट अंकल यू हैव गेव मी अ लेस पन्ना. तो उन्होंने बोला कि वो कह रही थी कि आपने उसको कम दिया है. कैन यू सी बोथ ऑफ दिस टू? ना, दे बोथ आर इक्वल. ओके, जस्ट बिकॉज दिस इज सम. ओके, ये थोड़ा सा वाइड है तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा दिख रहा है. अदरवाइज इट बोथ, दे बोथ कंटेन्स द सेम अमाउंट ऑफ जूस. ओके, सो पन्ना है वो सेम अमाउंट का ही है. सो बिकॉज ऑफ दिस लेंथ इट सीम्स हाई एंड बिकॉज ऑफ दिस विड्थ इट सीम्स वाइड. ओके, सो ओनली दैट इज द डिफरेंस. ओके, सो नाउ हियर यू हैव टू राइट डाउन कि आप वाटर का कहाँ कहाँ से ले सकते हो. सो दिस इज वाटरफॉल, दिस इज वेल, लेक, सी, स्प्रिंग सीजन, ocean, rain, pond, tap. So I have written the names also. So write down this, okay? Now, यहाँ पे कुछ कुछ आपके words दिए हुए हैं वो different है. So river, mountain, pond, spring, lake. Now other are the source of water, but mountain is not a source of water, okay? अगर mountain सिर्फ as a hill area है, okay? Hilly area. Now fish, duck, monkey, crocodile. Now all others can live in water, but monkey cannot live in water. Okay, it lives in tree. Now car, boat, bus, train, bicycle. Now all these vehicles cannot ride in a water. Okay, water पे ride नहीं कर सकते, but boat can ride. So boat is different. Now bathing, washing clothes, swimming, combing hair, kneading a daft. Okay, so all these things needs water. बाथिंग के लिए भी वाटर चाहिए, सबके लिए वाटर चाहिए, लेकिन आप हेयर कॉम करने के लिए वाटर नहीं चाहिए. सो कॉमिंग हेयर इज डिफरेंट. नाउ देयर इज वन एक्टिविटी. टेक अ ब्लैंक पेपर. एक आप ब्लैंक पेपर लोगे और उसे फोल्ड कर दोगे. ओके, फोल्ड करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी वाटर कलर यूज करोगे और यहाँ पे आप कोई भी डिजाइन बना दोगे. ओके, एंड वेन यू आर डूइंग द डिजाइन आफ्टर दैट जब वो वेट होगा ना, एट द सेम टाइम आपको वापस फोल्ड करना है, ऐसे उसको फोल्ड कर देना है. सो इन दिस वे यू विल गेट द सेम पिक्चर. ओके, आपने यहाँ पे जो पिक्चर किया था ना जिस वे में कलर, वही आपको मिलेगा. एंड इस वे में आपको ड्राई करके आपकी नोटबुक में पेस्ट करना है. सो दिस इज योर होमवर्क एक्टिविटी. ओके, सो गुड बाय, टेक केयर, डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. तो आपको वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे. एंड इफ एनी डाउट इज देयर, डाउटनेट में आपको पेस्ट में आपको बोलना है. नाउ व्हाट यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक.
नोटबुक, ये आपको नोटबुक में लिखना है. देन दिस यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक. ओके, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है ना नोटबुक में लिखोगे आप. दिस यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक. बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू मेक द बॉक्स, जस्ट राइट डाउन दिस क्वेश्चन एंड ये जो यहाँ पे सोर्सेस है वो आपको लिखने हैं नोटबुक में. दिस यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक, ये क्वेश्चन लिखना है आपको एंड दिस फोर ऑप्शंस, और यहाँ पे ऐसे सर्कल करना है. सो ओनली दिस मच फॉर टुडे. गुड बाय, टेक केयर.